मेरा सीनियर सिटीजन दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी अपने समय में अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से और अपनी शर्तों पर जी है, पर आज का ये युग ये बदल रहा है और इस बदलते युग में बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट करना है। जो चीज़ पसंद आए उस पर गौर करिए, जो चीज़ ना पसंद आए उसे इग्नोर आए ना माँ बोल के छोड़ दीजिए। डिप्रेशन, ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का गैप, हमारे सपने और वास्तविक जिंदगी के बीच का अंतर, क्या हम कुछ देर के लिए अपने सपनों को पॉज दे सकते हैं या उसकी साइज छोटी कर सकते हैं? क्या वास्तविकता को पाने के लिए हम रात दिन झितोड़ मेहनत कर सकते हैं? या फिर क्या हम आने वाले कल को कुदरत और निसर्ग के भरोसे छोड़ सकते हैं? लेकिन यह तो ठीक नहीं है कि हम तनाव, हताशा और निराशा के बीच अपनी सांसें लें और छोड़ें। फ्रेंड्स, हम हमारे अपनों को कितने भी ऑप्शंस दें वो नहीं मानेंगे। हाँ, वो तब मानेंगे जब उनके अपने सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह अगर कोई आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, नो रिप्लाई हो रहा है, तो थोड़ा सब्र करिए, धीरज रखिए, वो खुद होके कॉल करेगा जब उसे कोई हमारी जरूरत होगी। खुदगर्जी का दौर है, मुस्कराइए, आगे बढ़िए। मेरे सीनियर सिटीजन नौजवानों, अपनी जिंदगी न जाने कितने रास्तों, मोड़, चौराहों, उतार चढ़ाव से गुजरती हुई यहां तक पहुंची है। खट्टे मिट्टे लम्हे, पसंद नापसंदगी के पल, तो कभी खुशी कभी गम, अफसोस किस बात का। अपने बचपन को जिंदा रखिए, यही दौर है अपने अरमानों को पूरा करने का, जियो जी भर के। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है गैस टैंकर, पेट्रोल टैंकर या दूध के टैंकर में कोई लीकेज? लीकेज आपको मिलेगा सिर्फ पानी के टैंकर में। जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाइए, अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठिए। जहां कदर ना हो वहां जाना नहीं, और हर किसी को अपनी पलकों पर बिठाना नहीं।